दोस्तों अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल आदमी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 473। अभी कुछ देर पहले मैंने 472 शो किया था और जिसका टॉपिक था कि झूठ गुनाह की जड़ है। और आज दूसरा जो शो 473 कर रहा हूं, इसका टॉपिक है खुदावंद का हाथ छोटा नहीं के बचा ना सके। खुदावंद का हाथ छोटा नहीं के बचा ना सके। और ये जो हवाला बाइबल मुकद्दस से लिया है, ये शाया की किताब उसका 5 बाप और उसकी 3 आयात पढ़ूंगा। ये शाया नबी की किताब उसका 69 बाप और उसकी 3 आयात पढ़ूंगा। देखो, खुदावंत का हाथ छोटा नहीं, खुदावंत का हाथ छोटा नहीं हो गया कि वो बचा ना सके। यही मेरा टॉपिक है कि देखो, खुदावंत का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके, और उसका कान बारी नहीं कि वो सुन ना सके। बहुत खूबसूरत खुदा का पाक कलाम, और यही पाक कलाम की बातें हमें सच्चे और अच्छे किरदार की तरफ लेके जा सकती हैं। बल्कि तुम्हारी बदकरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है। तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश किया ऐसा कि वो नहीं सुनता, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से और तुम्हारी उंगलियां बदकरदारी से, और तुम्हारी उंगलियां बदकरदारी से आलूदा हैं। तुम्हारे लब झूठ बोलते हैं, तुम्हारे लब झूठ बोलते हैं, और तुम्हारी जबान शरारत की बातें बकती हैं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो जैसे बता चुका हूं और मैंने पहले शो में बताया भी था कि मैं दूसरा शो भी कुछ देर के बाद करूंगा, और वो दूसरा शो है 473, और उसका शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे ये तौफीक देता है, हिम्मत देता है, ताकत देता है कि मैं दूसरा शो भी कर सकता हूँ। और अभी जब मैंने शो खत्म, काफी लोगों ने मुझे फेसबुक पर गॉड ब्लेस यू जो कुछ लेकिन एक मेरे दोस्त ओकाड़ा से, उन्होंने मेरे मेरे साथ रफीक भट्टी साहब ने मेरे साथ ऑनलाइन होकर बात की और बड़े खुश हुए, मुझे बताया कि मैं ओकाड़े का। तो मैंने कहा भाई मैं ओकाड़े का हूँ, मेरे चक नंबर 26L है। तो वो बड़ा खुश हुआ। एक्चुअली मेरा जो खानदान है, मेरा बाप का गांव वहां वो है, हमारा काफी सारी जो बरादरी जो खानदान है वहां पर बैठा हुआ है। हम चूंकि मियाँ चनू 133 में आ गए और वहीं पैदा हुए, वहीं पढ़े, और इसलिए मैं ज्यादातर अपने आप को चक नंबर 133-16L अमृत नगर का कहता हूँ कि मैं वहां उस मट्टी की पैदाइश हूँ। तो जाहिर है जहां से इंसान चलता है कि वो उस चीज को, उस मट्टी को, उस गांव को, उस शहर को कभी नहीं भूल सकता, और ना मैं भूला हूं। तो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। तो शो का टॉपिक है खुदावंद का हाथ छोटा नहीं के बचा ना सके। हम कुछ भी करते हैं, जैसे मेरा पहला टॉपिक था कि झूठ गुनाह की जड़ है, और बिल्कुल ये झूठ से ही सारी बदी जो है वो जन्म लेती है। लेकिन खुदावंद का हाथ छोटा नहीं है कि वो हमें इन सारी बातों से, इन बुराइयों से, इन गंदी सोचों से, प्यार मोहब्बत से जो दूर हो चुके हैं वो हमको इकट्ठा ना कर सके, वो हमें बचाता है। लेकिन जब तक हम खुद नहीं खुदा के पास जाएंगे, वो कैसे बचाएगा हमें? जब हम उसके सामने जाएंगे, अपनी गलतियों गुनाहों की माफी मांगेंगे और उससे तौबा करेंगे, और ये जरूर उसको बोले कि हमें शैतान और शैतानी कुवतों से, शैतानी ख्यालों से बचा, और हमें अपने बेटे का
पाक और खूब पाक बदन और खून से जो के हम खाते पीते हैं जिंदगी है उसमें हमने रूह पाक की कुवत दे दे। और जब खुदावंद हमको रूह पाक की कुवत दे देता है तो फिर हम शैतान का मुकाबला, बुराइयों का, झूठ का मुकाबला, बुरी बातों का, झूठे इंसानों का, मुनाफकत का, हर चीज से प्रेज भी करते हैं। और अगर शैतान हमलावर होता है तो रूह पाक की कुवत जो है वो हमें इतनी ताकत देती है कि हम उसका मुकाबला करें। और उसका मुकाबला तभी हो सकता है कि चूंकि खुदावंद का हाथ हमें बचाता है, और बचाता है खुदावंद का छोटा तो नहीं, फिर खुदावंद हमें उस मुश्किल वक्त से निकालता है। सबरे युग की बहुत बड़ी कहानी कि जिसने शैतान ने पूरा जोर लगाया और खुदा ने भी उसको इजाजत दे दी, लेकिन उसको कहा कि उसकी जान नहीं लेनी, वो उस आजमाइश में पूरा उतरा क्योंकि खुदावंद की रूह भी उस पर थी। और फिर जो कुछ भी उसका खत्म हो गया था खुदा ने दोबारा उसको बरकत दी क्योंकि वो ईमान में मजबूत रहा, बहुत मजबूत रहा और सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा। बदी का नजदीक, दोस्त, बीवी, सब कुछ उसको बुरा भला भी, लेकिन वो मजबूत रहा और उसने खुदा का नाम लेना नहीं छोड़ा। क्योंकि यही मेरा टॉपिक है कि खुदावंद का हाथ छोटा नहीं के बचा न सके, लेकिन हम जब खुद खुदा के पास जाएंगे तो वो हमें बचाएगा ना। जब हम खुद झूठ और मुनाफकत की बातों में फंसे रहते हैं तो फिर वो तो फिर हम शैतान के कब्जे में होते हैं। और सबसे पहले जो मैं पोस्ट पढ़ूंगा, छोटी बातें बड़े बड़े रिश्तों में ऐसी बदगुमानियों के सुराख कर देती हैं कि इंसान सारी उम्र इन सुराखों में वजाहतों की ईंटें लगाकर, बहुत खूबसूरत बात के वजाहतों की ईंटें लगाकर अपने खूबसूरत रिश्तों को नहीं बचा सकता। क्योंकि ये छोटी बातें जो ये बड़े बड़े रिश्तेदार, बड़े बड़े रिश्ते तोड़ देती, बड़े बड़े रिश्ते खत्म कर देती है। क्योंकि मैंने पहले हवाला पढ़ा कि जुबान जो है एक बहुत बड़ा, बहुत बड़ी कुवत है, बहुत जिस पर कोई दुनिया की कोई ताकत आज तक कंट्रोल नहीं कर सकी। इंसान ने सारी दुनिया पर कंट्रोल किया लेकिन इस जुबान, और ये जो जुबान है ये छोटी छोटी बातों से हम रिश्ते बर्बाद कर, खूनी रिश्तों तक बर्बाद हो जाते हैं। और फिर उसके बाद जैसे इस पोस्ट में लिखा है कि इंसान सारी उम्र इन सुराखों में, इन जुदाइयों में, इन जो चीजें हम रिश्तेदार घुमा बैठते हैं, इनमें वजाहत की ईंटें लगाकर अपने खूबसूरत रिश्तों, हम जो वजाहतें दे रहते हैं, माफियां भी मांगते हैं, खूबसूरत ईंटों का मतलब है कि हम जो ईंट या जो रिश्ता तोड़ बैठते हैं फिर जितनी मर्जी वजाहतें देते जाएं फिर वो रिश्ते जोड़ते नहीं है। और इसलिए हमें हर वक्त झूठ से बचना चाहिए, फ्रेब से बचना चाहिए। खुदावंद का हाथ तो हमें बचाने के लिए तैयार है, बचाता भी, उसने तो अपना बेटा हमें बख्श दिया बचाने के लिए। अब हम खुद ना बचे, हम शैतान के पास जाए तो उसमें खुदा का कसूर तो नहीं, वो तो मौजूद है, उसकी तो सात आंखें सारी दुनिया पर देखती है, सारी दुनिया को कि हम क्या कर रहे हैं, उसको तो एक एक हमारी रवश का पता है। हम अपनी रवशें खुद ही नहीं बदलेंगे तो कसूर किसका है, हमारा है। उसके बाद दूसरी पोस्ट है आम आदमी की, पांच पोस्टें हैं, खूबसूरत इनका टाइमलाइन है। मंजिल तेरी तलाश घूमने की दर बदर, मंजिल तेरी तलाश करे तेरी तलाश घूमेगी दर बदर, खलके खुदा की राह से रोड़े हटा के को तो देख, क्या बात है। हम खलके खुदा के सामने जो रोड़े, जो मुश्किलें खड़ी करते हैं झूठ से, फ्रेब से, मुनाफकत से, जब तक वो रोड़े नहीं, वो मुश्किलें हम नहीं हटाएंगे, वो मुश्किलें बढ़ती जा रही। और मैं हर शो में ये आपको बताता रहता हूं कि इतनी पोस्टें सारी इसी बात पे लिखी होती है कि रिश्तेदारियां, दोस्तियां, मोहल्लेदारियां,
पड़ोसी की मोहब्बत जो के खुदा का हुक्म है वो सारे खत्म होते जा रहे हैं। किस वजह से? क्योंकि हम झूठ और फ्रेब की तालीम की तरफ, हमारी नस्लें जो है वो झूठ और फ्रेब की मुनाफकत की वजह से, रिश्वत सतानी की वजह, हराम की कमाई खिला खिला कर उनको इस तरह बदगुमान कर दिया गया है कि वो खुदा पर ईमान जो है वो छोड़ चुके हैं। तो फिर खुदा का हाथ तो उस वक्त ही हमें बचाता है कि हम अपना हाथ भी उसकी तरफ बढ़ाएं, हम खुद भी उसकी तरफ बढ़ाएं। ये बाइबल मुकद्दस किस लिए है? खुदा का कलाम, जिंदा कलाम, ये बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम है, ये जिंदा कलाम दायम है। तो इसको हम पढ़े तो ये सारी झूठी बातें, सारी मुनाफकत की बातें वो खत्म हो सकती है। और खुदा हमें अपना हाथ बढ़ाता, उसका हाथ छोटा नहीं कि वो हमें बचा नहीं सकता, लेकिन जब तक हम खुद उसकी बातों पर, उसके हुक्मों पर अमल नहीं करेंगे तो हम कैसे बच सकते हैं। तीसरी पोस्ट है, एक मान ही होता है, मान किसी पे दावा होता है, यह मान मतलब एक मान ही होता है कि जो हर किसी पर नहीं होता। बिल्कुल ठीक बात है, मैं हर एक पर या आप भी इसी हर एक पर कोई मान भरोसा किसी पर, हर एक पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि एक दौर ऐसा आ गया कि पहले हम एक दूसरे से, आज से 50, 100 साल, 60 साल पीछे चले जाएं, और मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ देखा, प्यार मोहब्बत इत्तफाक एक दूसरे का एहसास करना, मान रखते थे, भरोसा रखते थे, किसी बात को करके उस पर पूरा उतरते थे। और यही इस पोस्ट का मतलब है कि एक मान ही तो होता है जो किसी पर नहीं होता, वो तो बस किसी बहुत खास पर ही होता है, बिल्कुल वो बहुत खास जो जिसको हम दिल और जान से चाहते हैं, पूरा अपना मान, पूरा भरोसा रखते हैं कि ये हमारी बात या हमारा राज या जो कुछ भी नहीं तोड़ेगा। लेकिन अगर वो भी मान तोड़ दे, अगर वो भी भरोसा तोड़ दे, तो इंसान ऐसा टूटता है कि फिर जुड़ना मुश्किल हो जाता है। 100% सच्ची बात, सच्ची और अच्छी बात, और यही मेरे शो है, सच्ची और अच्छी बात है। और जब एक बार मान टूट जाता है, फिर हम किसी दूसरे पर भी भरोसे की तो ये बात होगी कि हम किसी को भी, चूंकि एक दूसरे के भरोसे तोड़ते रहते हैं मान तो, और अब हमारे साथ को कितना अच्छा या भलाई करना चाहे भी, तो हमने एक दूसरे से बदगुमान हो चुके हैं और हम किसी पे भी एतबार नहीं करते, कुछ भी कोई कर ले। तो दूसरा, हमारे जो लोगों ने, सियासतदानों ने, हमारे बड़ों ने एक दूसरे से ऐसा लग कर दिया है, इतने सबक दे दिए हैं कि हम दूसरों को अतबार करना, किसी का मान करना या भरोसा करना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन खुदावंद की तरफ जाएं, क्योंकि खुदा का हाथ छोटा नहीं, वो हमें बचा सकता है हर तरह से। चौथी पोस्ट है उनकी, आप अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो, और बहुत खूबसूरत पोस्ट है ये भी, अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो, अच्छी बातें करने की खुद बहुत आदत बन जाती है। और ये बिल्कुल, चूंकि ये जो चीज है ना, किताबें पढ़नी या अच्छी किताबें पढ़नी, वो हमारे मुआशरे में नहीं है ना, हम देख, चूंकि हमारे बड़ों ने ये चीजें नहीं सिखाई, चूंकि वो भी नहीं पढ़ते थे इन किताबों को, तो इस वजह हम दूसरी किताबों को छोड़ दे, सिर्फ एक ही किताब जो कि किताबों की किताब है, जो जिंदगी, जो जाप्ता हयात है, जिसमें जाप्ता हयात की सारी बातें हैं, बाइबल मुकद्दस को ही पढ़ते रहे तो हमें बहुत कुछ, फिर हम बहुत सारी बुराइयां जो है, और हम जरूर खुदा पर भरोसा करेंगे कि खुदावंद का हाथ हमें आएगा, बचाएगा, लेकिन हमने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाना है, हमने उसकी तरफ उसके हुक्मों को मानना है। और झूठी गवाही, जो पहला शो किया था मैंने, कि झूठ झूठ गुनाह की जड़ है, और सबसे बड़ा गुनाह हम नहीं छोड़े कि झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, झूठी बातें करना, रिश्वत से झूठी गवाही देना, तो फिर हम कैसे बच सकते हैं? फिर झूठ की जिंदगी से हम नहीं बच सकते। पांचवी बात है, आम आदमी की कराची में जुल्म की इंतहा है,
एक बहुत बहुत पोस्ट अच्छी मैंने, वैसे तो रोज इंतहा हो रही है। क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? जुल्म, जबर, रेप, क्या कुछ नहीं होता। और ये ऐसी एक पोस्ट मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं कि इंतहा की बातें हो रही हैं हमारे मुल्क में, और वो जरूर कोई ना कोई खुदावंद की लाठी जो बेआवाज है वो किसी दिन इस, और ये लाठी मेरे ख्याल शुरू हो गई है, क्योंकि दोनों मजहब जो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी ने दोनों ही पोस्ट में डाला कि ये जो हराम खा रहे हैं कुत्ते बिल्ले चूहिया और चमगादड़े खा रहे हैं, क्योंकि ये बाइबल मुकद्दस में या कुरान पाक में ये चीजें हराम है। हम खुदा को मानते हैं, हमें खुदा ने कभी बाइबल मुकद्दस में सब चीजें हैं, जब पतरस दुआ कर रहा था बाइबल मुकद्दस में हम पढ़ते हैं, वो कोठे पर बैठा था, एक चादर उसके ऊपर आई, उसमें बहुत सारे जानवर थे, खुदा ने कहा कि बरकत देखा, लेकिन उसने कहा था खुदा बाप मैं हराम चीज नहीं खाई, ना आज तक मेरे मुंह से कोई हराम चीज उतरी है। तो ये बातें अब वहां पर ये जो वायरस चला है वो हराम चीजों को खाने से, तो ये अगर वायरस पर है तो ये जंग से भी खतरनाक है। कोई खुदावंद फिर आते तो भेजता है, बड़ी मुद्दत तो ही कि टिड्डी दिल जो थी कभी नहीं मैंने देख, लेकिन बचपन में बहुत फसलें तबाह करती थी, आज फिर मैं खबरें देख रहा कि अफ्रीका में इतनी टिड्डी दिल है कि वो तबाही मचा रहे, कराची में नहीं और खबर सुनी के पंजाब। तो ये खुदा की आते हैं, जब मिस्र से इसराइल को निकाली थी तो वो नहीं फरौन नहीं चोज ये सारे आते थी, और ये आते अब नजर आ रही हैं कि खुदा ने भी इतना नाराज हो चुका है दुनिया से कि जो कुछ खुदा ने हुक्म दिए हम उनको नहीं मान रहे। सॉरी। तो कराची में जुल्म की इंतहा एक नए हाफ़िज़े कुरान, हिफ़्ज़े कुरान को या हाफ़िज़े कुरान को जिनसी तशद्दत के बाद कत्ल करने वाले को अदालत ने छोड़ दिया। आप देखो कि जिसने कत्ल तो बजाते को के कत्ल का बदला तो फिर सजाए मौत है हर मुल्क में है, तो फिर उसने रेप भी किया बच्चे को, और ये भी कि वो हिफ्ज़े कुरान था, उसने कुरान को हिफ्ज किया हुआ था। तो जो मुल्क ही इस्लामी है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की तबाही की वजह है कि वो इस्लाम का कला है, इस्लाम का कला अपने आप को मानता है, और वहां पर रेप की इंतहा हो रही, बच्चियां छोटी छोटी बच्चियां, और कल भी फेसबुक पे एक एक बच्चा एक बच्ची छोटी को उठा के वो उधर घुस गया मस्जिद में, और सिर्फ यही वारदात करने वाला था, किसी ने देख लिया और वो पकड़ा कर और उस बच्ची की जिंदगी बच गई। तो आए दिन वाकई तो एक फैशन बन गया है जिनसी तशद्दत के बाद कत्ल करने वाले को अदालत ने छोड़ दिया। तो जहां पर अदालतें ये कर रही हैं तो फिर इंसाफ किधर गया? इंसाफ तो फिर खुदा करेगा, फिर इंसाफ तो खुदा का हाथ आएगा, तो उसकी डंडा बरसेगा, तो फिर लोगों में शायद इंसाफ आए। और हमारे इलाके में ये सब कुछ वही कुछ हो रहा है जो नैनवा में हुआ था, या जो कुछ भी क्या वो शायद जो तबाह कर दिए गए थे खुदा ने, तो शायद लगता है ऐसा ये कुछ इतनी बुराइयां हो रही हैं, इतनी सदूम और अमूरा जैसा माहौल पैदा हो गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के वकील करोड़ों रुपए मांग रहे हैं केस लड़ने के लिए, और वो उस माँ को दिखाता फेसबुक पे, वो रो रही है, वो बता रही है कि वकील कोई रह, आप जिन मुल्कों में हम रहते हैं यहाँ पर अगर आपके पास वकील नहीं, पैसा नहीं, कोर्ट आपको कहती है कि आप जो भी आपका केस है लड़ो, हम आपको वकील देते हैं, आपको वकील फ्री देते हैं, और आप अपना जो भी मुद्दा है, जो कुछ भी आपका प्रॉब्लम है वो बयान करें, वकील आपको फ्री। और हमारे मुल्क में तो हर चीज जो कारोबार है
बुराई इतनी बढ़ चुकी है, तो फिर खुदा का हाथ तो मेरे ख्याल बचाने के लिए कम ही होगा, सजा देने के लिए शायद ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पर बुराई की इंतहा हो चुकी है। उसके बाद नहाल अनायत गिल ने बहुत खूबसूरत गीत लिखा है, और जो कुछ इस गीत में लिखा है हमें इस चीज की जरूरत है, मेरी खुशी को बहाल कर दे, मेरी खुशी को, हम सबकी खुशियां बहाल कर दे, जो कि हम एक दूसरे की खुशी से निकल चुके हैं, पीछे हट चुके हैं। मेरी खुशी को बहाल कर दे मसीहा, ऐसा कमाल कर दे खुदाम यीशु मसीह, कोई खुदा का बेटा को ऐसा कमाल कर दे कि हम सब जो एक दूसरे से दूर हो चुके हैं, बुराइयों से, जुदाइयां पड़ चुकी हैं, मुनाफकत से, झूठ की वजह से, कोई ऐसा मौत से एक बार फिर कर, और ऐसी कोई फिर आके खुद शायद खुदा यीशु मसीह को एक बार फिर आना पड़ेगा, और वो जो आमद होने वाली है तो फिर वो सारे फैसले, सारे शैतान और ये सारी मुसीबतें तो खत्म होंगी। मैं मुश्किलों में उलझ गया हूँ, बिल्कुल हम सब जितने भी हैं, और खास तौर पर हम मसीह, चूंकि हम खुदा के कलाम से, बहुत सारी बातों से, हम झूठ की पैरवी में शामिल हो चुके, जहां हमारे तरफ खाना पीना ही झूठ होगा, जहां पर आंख खुलती है बच्चे की उसको सामने झूठ होगा, तो फिर मुश्किलें होगी, हमारी नस्लें खराब होगी, झूठ मुनाफकत की वजह से, रिश्वत की वजह से, हराम की वजह से, हम हराम हलाल का तसव्वुर तो बहुत पेश करते हैं, लेकिन ये रिश्वत हराम है, शराब हराम है, जबकि ये सब कुछ हम हराम कहते हैं और खाते पीते भी हराम है, तो फिर हमारे मुश्किलों में ही पड़ेंगे, क्योंकि खुदा तो गलतियों गुनाहों को माफ नहीं करता, वो तो उस वक्त उसका हाथ हमें बचाता है कि हम जब खुद भी बचने की कोशिश करें। मैं गुमशुदा हूं, मैं गमजदा हूं, बिल्कुल हम गुमशुदा हो चुके हैं, दूसरे जब बहन भाई एक दूसरे को नहीं मिलते तो फिर गमशुदा है, रिश्तेदार चाचे ताए सब जुदा हो गए, गुमशुदा हो चुके हैं। जलाली यसु जलाल कर दे, क्या बात है, जलाली यसु जलाल कर दे मसीहा, ऐसा कमाल कर, और वाकई या मसीहा ही खुदा का हाथ ही आएगा जो कमाल होगा कि ये इन सारी मुश्किलों से, इन झूठ की जिंदगी से जो है वो खुदा का, खुदा ही निकालेगा। है तेरी है तीरगी मेरे चारों तरफ, हर जाहिर है शैतान चारों तरफ है, तो शैतान की हुकूमते अंधेरा ही अंधेरा है, समझ में आए ना क्या है वाजब, और कुछ भी नहीं समझ आ रहा, खुदा का कलाम होते हुए उसकी सच्ची और अच्छी बातें होते हमारे साथ, फिर भी हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, क्योंकि झूठ ने, मुनाफकत ने, रिश्वत ने, हरामकारी ने, गुनाह ने हमारे मुल्क को घेर रखा, समझ नहीं आ रहा कि किस तरफ जाए, क्योंकि रास्ता ही नहीं है कोई भी निकलने का, जो तो भाग सकता है वो भाग रहा है, लेकिन हर कोई तो नहीं भाग सकता, ना किसी के पास सोर्सेज है, ना इतनी दौलत है, और ना जल्दी वीजे लगते हैं, क्योंकि हमारी जो साख है बहुत खूबसूरत दुनिया में, हम बहुत अच्छे माने जाते हैं। है मेरी राह में मिशाइल कर दे, मिशल की जमा की जो रोशनी कर दे, मेरी राह में मशाइल कर दे, रोशनियां कर दे मसीहा, ऐसा कमाल कर दे खुदाया, रूह का मसा दे मुझको। हम अगर वाक्य, मैंने भी पहले रूह पर बोल रहा था कि रूह का मसा अगर मिल जाए तो हम शैतान का, इन झूठे लोगों का, इन झूठी ताकतों का, मुनाफतों का, रिश्वत खोरों का मुकाबला कर सकते हैं, चूंकि हम खुद झूठ में फंस गए, डर खौफ हमारे अंदर बस चुका है, और वो डर खौफ नहीं निकल सकता जब तक हम खुदा की तरफ नहीं जाएंगे, उसकी तरफ रजू नहीं करेंगे, उसके पाक कलाम को नहीं पढ़ेंगे, और ना हमें कोई अवेयरनेस देने वाला है, ना कोई सिखाने वाला कि झूठी बातों से कैसे निकल सकते हैं, क्योंकि हर कोई पाकिस्तान में तो मैं रोज कहता हूँ सिर्फ वे की बात है भी, पैसे बटोरो कैसे भी बटोरो, चाहे मजहबी लिहाज से या सियासी तौर से, चूंकि ऐसे ही है कि जैसे मुल्क टूट चुका है। कल मैं ये मैंने अपनी बात बताई थी कि जब 1998 में आया तो मैं अपनी बीवी का पासपोर्ट लेके पोस्ट ऑफिस गया, तो वहां लाइन का तो तसव्वुर ही नहीं, तो मैं भी घुस गया, जो लेडी थी सिंधी थी और वो
एकदम चीखी जोर से भी, क्या हो गया, पागल हो गया, मुल्क टूट रहा है, जो सब भाग रहे हो यहां से, राम से आओ। तो खुदा का शुक्र है कि मेरे ही पास पड़ोस ने पकड़ा और पूछा क्या बात। बड़े गुस्से से बोली, क्या मैं जी मेरी बीवी का पासपोर्ट नहीं बना। तो कह ली चलो ठीक है छोड़ो। जो फिर एक हफ्ते तो खुदा ने काम कर दिया, लेकिन वो बात उसकी उस ऑफिसर की सच्ची थी भी, क्या हुआ मुल्क टूट रहा है। और वाकई मुल्क टूट रहा है क्योंकि शैतान पूरी तरह हमारे मुल्क में, हम ना किसी को मानते हैं, ना हुकूमत को मानते, ना कानून को मानते। अदालतें क्या कर रही, झूठों को छोड़ रही है, जो रेप कर रहे हैं उनको छोड़ रहे हैं, सजा तो मिल नहीं रही। और हर कोई फिर जुर्म से गुनाह करता है, ज्यादती करता है, कत्ल करता है, उनको पता है झूठे लोग हैं, रिश्वत को रिश्वत दे के छूट जाएंगे। खदाया रूह का मसा दे मुझको, तू जहां चाहे बना दे मुझको, तू जो कुछ कर, तू कर सकता है, तू सब कुछ कर सकता है, रजा अपनी निहाल पे कर दे और अपनी मर्जी निहाल पे, हम सब पे। निहाल तो लिखने वाला, निहाल नैत गिल गिल अंद गिल कहता है दोस्तने तो बहुत लिखते हैं लोग, लेकिन जब खुदा का कलाम लिखने वाले भी ठीक लिख रहे हैं। मैं, मुझे खुदा ने मौका दिया, मैं पढ़ रहा हूँ, जो कुछ भी मुझसे उनकी सच्ची और अच्छी बातें मैं बयान कर सकता हूं। तो कौन मानता है, अगर बाबिल को नहीं मानते तो दूसरी बातों को हम क्या, किसी लिखने वाले को या बोलने वाले को क्या मानेंगे। हम तो खुद दे के पैसे तमाशा देखते हैं और यही हमारी कमजोरी। तो फिर खुदावन का हाथ हमें कैसा बचा सकता है, क्योंकि खुदावन का हाथ छोटा नहीं कि वो बचा ना सके, लेकिन हम उस हाथ के नीचे जाते ही नहीं। हम कहते तो हैं खुदा अपना दाना हाथ मेरे ऊपर रख, मेरे खानदान पर रख, मेरी गलतियां, लेकिन वो तो मुंह से कहते हैं, लेकिन अगर हम कहें कि तू हमें इन शैतानों कुवतों से, गुनाहलूदा झूठी बातों से बचा कर, तो खुदा जरूर बचाएगा। उसके बाद रबाब अनवर खोकर एक शेर के नाम से लिखते हैं, पंजाबी शेर है, तन मन साडे उत्तों वारी जांदा है, तन मन उत्तों साडे वारी जांदा है, यसु साडे काज सवारी जांदा है। यसु ते साडे काज सवारी जांदे है, लेकिन असि अपने काज आप ही नहीं सवार दे, ते फिर यसु दा की कसूर है, खुदा दा की कसूर है। उन्हें तो हुक्म ही दे दिते ने, उन्हें हर चीज साडे कोल है, जाबता हियात किताबे हियात अलहमी किताब असी जिन्हू कहने, असी ओनू लपेट के चंगी तरह अंगीठी ते रख छड़ने, ते असी पढ़दे ते है नहीं, ते फिर सानू जिस तरह वो ते साडे, उन्हें ते अपनी जान भी वार दिती साडे ते, तन मन साडे उते वारी जांदा है, यसु साडे काज सवारी जांदा है। वो ते साडे काज साडे मसले जो भी ने वो तो सवारी जान दे, उन्हें तो अपनी जान की कुर्बानी दे के ही सानू बचा लिया, लेकिन असी फिर भी उस कुर्बानी नू मान के नहीं, अपने आप नू फिर शैतान ते दोजख दी आग की तरफ धकेल रहे हैं। उसके बाद दूसरा शेर है उर्दू दा, बासे तशवीश है मुंह फेरना उसका, बासे तशवीश है मुंह फेरना उसका, रबाब रबाब नाम है, रबाब अनवर खोकर लिखता है, वैसे तशवीश है मुंह फेरना उसका रबाब, वो जो कहता था तेरे बिन जिंदगी दुश्वार है। और ये बिल्कुल कितने हम ये कितने मुंह से बातें निकालते हैं एक दूसरे के लिए, या मैं तेरे बगैर रह नहीं सकता, मुश्किल है जीना, तू चला गया तो मेरा की, और जो चला गया फिर उन्होंने कोई याद भी नहीं करता। इवन जो को इस जहाने फानी तो ही चले जाते हैं, तो फिर भी हम याद तो करते हैं, लेकिन कभी एक बार उसके बाद भूल जाते हैं कि था हमारा या कोई था कि नहीं था। तो ये एक जिंदगी ऐसी मुश्किलों में हमने डाली, हमने नहीं डाली, मैं मानता हूं इस बात को, हमारा मौत अपने अक्सर अपने जिस जगह पे शो करता हूं, यहां पर हमें कोई खतरा नहीं। अब बच्चे, छोटे बच्चे भी स्कूलों में जाते, इतनी जिम्मेदारियां होती हैं कि वो कभी भी कोई, और बच्चे को अब, मेरा अपना पोतरा अभी 6 साल का नहीं हुआ, स्कूल जा रहा है, और उनको तालीम इतनी दी जाती है बचपन से ही कि बड़ा होकर वो हर चीज को जानता, कानून को, अच्छाई को, बुराई। तो हमारे मुल्क में अच्छाई तो है नहीं, तो बुराई है, तो फिर कैसे हो सकता है कि खुदावंद का हाथ आए और बचाए। कि जब हम खुद बचने की कोशिश नहीं करते
तो उसके बाद है लफ्ज जिंदा रहते हैं, जब इतबार किसी से उठ जाए तो फिर अगला बंदा कसम खाए या जहर पिए फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल 100% सच्ची बात कि हमारे एक दूसरे इतबार उठ गए हैं और बिल्कुल बिल्कुल पक्की बात है। हम जहां भी बैठे हुए हैं, मैं अक्सर कहता हूं कि ये नहीं कि हम बाहर आ गए तो हम हमारी को आदतें बदल चुकी हैं, बिल्कुल बाहर भी वैसा ही है, अंदर भी वैसा ही है। और जैसा है हम इतबार नहीं करते किसी पे, मुंह पे तारीफें जरूर करते हैं, जी हम आपकी बड़ी कदर करते हैं, जी हम आपके ये भी का, लेकिन पीठ पीछे कोई नहीं करता, पीठ पीछे बुराइयां होती है। और यही हमारी जो पाकिस्तानियों के चाहे मुस्लिम है चाहे क्रिश्चियन है, हमारी यही कबाहते हैं जो हमें तबाही की तरफ लेके जा रही है। सोचना ये चार पोस्टें हैं, लफ्ज जिंदा रहते हैं, सोचना भी कितना थका देने वाले मशगला है भाई, बिल्कुल क्यों सोचना तो पड़ता है। और खास तौर पर के जब माहौल अच्छा ना हो, झूठ हो, मुनाफ़कत हो, तो फिर सोच तो मशगला क्या है, वो तो हमें मजबूरी सोचना ही पड़ता है। मशकला है कि जहां बला बनकर चमड़ जाती है, सोचे एक बला बनकर, बला से कोई मुश्किल बला जिसको कहते हैं बुरी रोग कह लो, या कोई ऐसी सोच जो हमें चिमट जाती, परेशानी चिपट जाती है, और दफा के अंदर जाकना, अंदर झांकना पड़ता है। घर बला से बला पैदा होती है, परेशानी से परेशानी पैदा होती है, एक परेशानी है और उस परेशानी को खत्म नहीं होती दूसरी परेशानी, और जेड़ी एक मुट्ठी चुकते दूसरी मुट्ठी तैयार, फिर बुराई पे बुराई, बुराई पे बुराई, गुनाह पे गुनाह, बुला पे बुला, सोचों पे सोचे जो वो पड़ी रहती है, और फिर बुलाओं का हजूम हो जाता है, और फिर परेशानियों का हजूम हो जाता है, और फिर क्या होता है, और हार्ट अटैक हो गया जी, उन्हें बड़ी परेशानी, उन्हें फलानी भी परेशानी सी, उन्हें फलानी भी परेशानी सी, और ये सारी जो बुलाएं जब इकट्ठी हो जाती तो फिर इंसान वाकई किसी ना किसी मुश्किल में पड़ता है। लेकिन अगर हम साथ साथ खुदा पर भी ईमान रखे, जिसका हाथ हमें बचाने के लिए तैयार है, क्योंकि उसका हाथ तो छोटा नहीं है, वो तो आसमान पर भी बैठा हो, वो तो कभी सोता नहीं, कभी ऊँगता नहीं, उसकी सात आंखें तो सारी दुनिया पर घूमती है, सारी दुनिया की सैर करती, तो फिर उसका हाथ तो हमारे चौगिर्द मौजूद है, जबकि हम उस हाथ से बरकत नहीं लेते या उसको हम खुद दावत नहीं देते कि खुदा बाप जी मेरी इस मुश्किल से, मुझे इस बुला से, मेरी इस परेशानी से मुझे निकाल। और सबसे अच्छी परेशानी दूर करने का तरीका है बाइबल मुकद्दस को पढ़ें और उसके बातों और उसके हुक्मों पर अमल करें। उसके बाद तीसरी पोस्ट है जहां अमीर लोग ड्रामे की आखिरी किश्त देने के लिए, ये भी बहुत अच्छी बात है, जहां अमीर लोग ड्रामे की आखिरी किश्त देखने के लिए 120 रुपए लगा दें, वहां गरीब के फाके का जुम्मेदार अकेला हुक्मरान नहीं हो सकता। आपकी क्या राय है? मेरी राय तो यही है कि हम हमारे पाकिस्तान की अवाम, सारी अवाम नहीं, कुछ अवाम, थोड़ी सी अवाम तो अमीर है, और हम गरीब से गरीब लेकर हमें तालीम ये दे के कि कोई भी बात, कुत्ता भी गली में मर जाए, हम कहते हैं जी ये हुकूमत क्यों नहीं ठा रही, गंद हम डालते अठाए हुकूमत। हम कल मैंने पिछले शो में जिक्र कर, कल खबरों में हर, हम कुछ करते नहीं हैं, हम हुकूमत को दोष देते हैं। जब तक हम हर चीज को खुद कानून हम नहीं मानते, प्यार हम नहीं मानते, सिर्फ मानते हैं तो झूठ की बातें, मुनाफ़कत की बातों को, और उससे क्या होगा, कोई कानून ही नहीं, कोई पुलिस वाला नहीं मानता, एक दूसरे को वजीर आजम तो बन जाता और वो उल्टा जो है वो अजाब में पड़ जाता है कि
वो फंस जाता है कि अब दिया ना गेजो घर पीछे जोगा। और वो ही इसलिए कि अवाम के हम खुद गरीब खुद भी उनके कहनों में आकर अपने आप को बर्बाद करें, हम उनको जिंदाबाद कहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम उनको जिंदाबाद का क्या मतलब है। हम जिंदाबाद क्यों कह रहे हैं उन झूठे लोगों को कि जो हमारे गरीबों के लिए कोई नहीं टीवी पे आके कहता है, वो हुकूमत को कहें। जैसे अब ये वायरस फैल गए थे हुकूमत को, वो क्या नौजवान सरदारी का बेटा बिलाल जी, हुकूमत कुछ नहीं करती, उनको लाओ भी, हर काम हुकूमत करे। अपोजिशन तो ये देखती है कि कहां पर कोई नजर आए कोई चीज तो हुकूमत को पकड़े। तो ये कहते हैं कि हम आ जाएं। एक कल मैंने ये भी जिक्र किया कि मौलवी साहब अमीर जमात कह रहे थे जी हमें पुराने लोग ही दे दो कि जिन्होंने मुल्क खा लिया, वो ही हमें दे दो, हमें वो ही अच्छे हैं। और हम अच्छे इंसानों की कदर नहीं करते, हम झूठे इंसानों की कदर करते हैं। और हम बिल्कुल 20-25 डॉलर की शराब पी सकते हैं, लेकिन 10 डॉलर हम इकट्ठे करना चाहे ना किसी से कि चलो मिलके 10-10 डॉलर करो, 100 डॉलर इकट्ठा करके 2-3 बच्चों की तालीम के लिए भेज दें, वो नहीं हम कर सकते कभी भी, क्योंकि हमने ये तालीम है ही नहीं है, सोच है ही नहीं है। तो इसलिए अकेला हुक्मरान नहीं, अगर हम उसको वोट भी देते हैं तो फिर हम उस वोट की कदर नहीं करवाते, इसलिए कि फिर हम झूठ की, फिर चूंकि हमारे जहन में धांधली एक ऐसी चीज समाई है कि वो अपोजिशन हमें धांधली कह के ये झूठ कह के ये पैसे खा रहे हैं रोज, यही और यही वजह के हुकूमत कामयाब नहीं हो रही। और मरता कौन है? गरीब, हम गरीब जो जिंदाबाद कहते हैं उनको, उनके गलों में हाथ डालते हैं, उनको जेलों में भी जाए तो हाथ डालेंगे, जमानत हो तो हम मिठाइयां बांट के, तो फिर क्या होगा? बुराई हमारे ऊपर आएगी, फिर खुदावंद का हाथ झूठे हाथों को मुनाफिक नहीं बचाता। चौथी पोस्ट है, ये लफ्ज भी बाकमाल होते हैं, ना अनजाने लोगों को दिल में उतार देते हैं और वर्षों के पहचान रखने वालों को दिल से उतार देते हैं, कि जिनको हम समझ, क्योंकि दूसरे जो वर्षों से जानने वाले उनको तो इस्तेमाल कर लिया हुआ जो मतलब लेना था, तो जो नए लोग होते हैं फिर हम उनको शीशे में ताकते हैं, हम उनको दिल में ताकते हैं कि चलो ये नए आए हैं इनको भी कुछ ना कुछ हाथ दिखाए। और यही जो लफ्ज है इन खूबसूरत लफ्जों की वजह से हम उनको घेर लेते हैं, झूठ की मुनाफ़िकत की बातें करके हम उनको जो है वो घेर लेते हैं। माइकल भट्टी बहुत खूबसूरत कलाम है इसी हवाले से है, गजल साहिल नासरी, एक साहिल मनीर है वो अमृत नगर का है, लेकिन ये साहिल नासरी मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छा नौजवान शायर है। हमें खलके खुदा के वास्ते गाम हर गाम करना है, हसारे जात से निकलो बहुत काम करना है, हसारे जात से कि हम एक एक दूसरे से अपनी जात में मगन है, अपने आप में मगन है। और जब तक हम इस हसार से, मैं की कात से, अकड़ की कात से मैं को नहीं निकलेंगे, इस हसार से, इस कात से नहीं निकलेंगे तो हम कुछ नहीं करते। जैसे वो नासरी कह रहे हैं कि हर गाम को हर कदम पर हम जब तक कट्ठे नहीं हो गए इस हिसार से, मतलब परस्ती से निकलेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत नाजुक जमाना है, जमाने की रवश बदलो, बहुत बिल्कुल जमाना वाकई नाजुक हो चुका है, हम रवश अपनी नहीं बदलेंगे तो जमाने की रवश। अब जब मैं खुद गोड़ खा रहा हूं तो मैं दूसरों को गोड़ खाने से कैसे मना करूं, जब मैं खुद झूठ बोल रहा हूँ, खुद रिश्वत ले रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ जो खुदा के हुक्मों के खिलाफ और इंसानी कवानीन के भी खिलाफ है, तो मैं दूसरे को कैसे बदल सकता हूँ? बहुत नाजुक जमाने की रवश बदलो, फक्त इसके लिए हमको रोज और शाम करने। और बिल्कुल हम जब तक इस, अब जब बेड़ा बिगड़ चुका है, माहौल बिगड़, तो इसके लिए 1-2 दिन तो नहीं लगेंगे, 73 साल से जो सीधा नहीं हुआ तो वो कैसे हो सकता है? बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि इससे बाद में जब आजाद होने वाले,
वो किधर पहुंच गए, जापान, जर्मनी, चाइना और मुल्क भी, और हम इस्लाम का कला लेके बैठे हुए। कोई भी दुख तकलीफ दुनिया में हो जाए तो हम स्ट्राइकें कर करके, तो उससे क्या फायदा, जुलूस निकालने, नुकसान किसका, पाकिस्तान का, हमारा नुकसान। मजदूरों को दिहाड़ी नहीं मिलेगी तो वो भूखे मरेंगे और क्या होंगे। उसके बाद अजियत सह सहनी सह कितनी अजियत, अपने अब इतनी अजियत हम नहीं सह सकते। हमें जुल्म और सितम के वार सब ही नाकाम करने हैं। ये झूठ की सियासत, ये जुल्म, ये जबर, ये रेप, हम सबको, हम ये नहीं कि हम कुछ नहीं, हम क्या, हम तो आटे में नमक के बराबर है। मतलब कि पूरी कौम, जो पाकिस्तान जिसमें मिनोरिटी सीनियरिटी ये सब, जब तक इस चीज को नहीं मानते तो फिर हम इसी तरह जुल्म और सितम, झूठ की जिंदगी गुजारेंगे। और खुदावंद का हाथ जो बचा सकता है, जब हम उसकी तरफ नहीं जाते तो फिर उसका हाथ हमें कैसे बचाएगा, क्योंकि हम शैतान के नरगे में, पूरा मुल्क आ चुका है। अंधेरों से निकल आओ, जालों से करो उल्फत, हम अंधेरों से निकले, अजालों से रोशनी से उल्फत कर। रोशनी क्या है, खुदा का कलाम, खुदा की बातें, खुदा की सच्ची और अच्छी बातें, इंसान को इंसान समझना, इंसानियत की बातें, वो रोशनी की बातें हैं। हमें रोशन घरों के सब सब दरो बाम, हमें उन रोशन घरों के जो अंधेरों में फंस चुके हैं उनको रोशनी की तरफ लेके जाना है। सताए सताने वालों को साहिल ये समझाओ, ये बतलाओ कि जो हमें सता रहे, जो हम पर जुल्म कर रहे हैं, उनको समझाओ उनको कि ये जुल्म जबर ये सब कुछ ना करें, इंसान बने, इंसानियत को समझें। सबके सभी रिश्ते उन्हें अब आम करने हैं, कि हमें एक दूसरे के रिश्ते जो टूट चुके हैं, दोस्तियां खत्म हो चुकी, खूनी रिश्ते तक टूट चुके हैं, वो हमें करने हैं। वो कब हो सकता है, जब तक हम एक नहीं होंगे। और जो सच बोलता है हम उसको पसंद ही नहीं करते, तो वो बेचारा पीछे बैठ जाता है, जा क्योंकि उसकी सुनता नहीं। और झूठे इकट्ठे होकर हम वो तमाशे लगा रहे कि दुनिया में, हम दुनिया में जाते हैं जी, मुल्क प्यारा पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। और मैं अक्सर माजरत भी कर लेता हूँ, चूंकि मेरा जो तबलीग है झूठी सच्ची और अच्छी बातों का, और सच्ची और अच्छी बातें तो जहां पर, जहां झूठी बातें होंगी तो वहां पर ये शो होगा ना। मुझे इस मुल्क में तो कोई तबलीग करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर किसी चीज की कमी नहीं, ना झूठ है ना मुनाफ़त है। जो अगर कोई करता है तो वो कानून एकदम मिनट में शुरू हो जाता है। तो इसलिए मुझे तो अपने लोगों के साथ ही बातें करने, अपना जो कुछ भी साड़ है जिन्हों कहना, वो अपने लोग, चूंकि कौम बर्बाद हो रही। बच्चे, मैंने 25-30 साल स्कूलों में काम किया और मुझे पता है कि कैसे जनरेशनें बन रही हैं, कैसे तबाह हो रही है, क्या कुछ हमारे उस्ताद असातिज़ा कलाम या हमारे मजहबी रहनुमा क्या कर रहे हैं। मैं कौम को नहीं संवार रहे, वो अपने आप को या अपने खानदान को संवार रहे हैं। तो उसके बाद राबिया ऐवान आलमी से अच्छे लफ्ज तख्लीक करने के साथ अच्छे रवैये भी तख्लीक करने चाहिए। हम अगर, हम जितने झूठ बोलते उनके पास लफ्ज बहुत खूबसूरत है। मैं अक्सर कहता हूँ कि उनके पास नॉलेज बहुत होता है हर चीज का, सियासी भी, मजहबी भी, झूठा भी, मुनाफ़त की हर चीज उनके पास होता है। तो लेकिन अगर अच्छे लफ्ज भी बोलते हैं तो उनके रवैये भी अच्छे होने चाहिए। तख्लीक लफ्ज किताबों में जिंदा रहते हैं, जबकि रवैये दिलों में जिंदा रहते हैं। और बिल्कुल बाइबल मुकद्दस में खूबसूरत लफ्ज, खूबसूरत बातें, लेकिन वो तो जिंदा तब होंगे अगर हमारे दिलों में बसेंगे खुदा का कलाम। हम जब तक हम सब एक होकर खुदा के हुक्मों को नहीं मानेंगे तो फिर कैसे हो सकता है, क्योंकि खुदा ने तुम्हारा खून ना करो, पड़ोसी से प्यार करो, मोहब्बत करो, माँ बाप की इज्जत करो, ये सारी बातें तो हैं, लेकिन मुंह जुबानी करते हैं लेकिन हम उन पर अमल नहीं करते। उसके बाद अर्नस्ट निहाल की खूबसूरत बात, कितनी
कश्ती और घर, बहुत खूबसूरत बात। और यही वजह है कि हमारी बर्बादी की, कश्ती और घर हमेशा अंदर के पानी से डूब जाते हैं, बड़े बड़े जहाज भी नहीं डूबते। क्यों? क्योंकि उनके पानी के ऊपर, जब पानी उनके अंदर या किश्ती के अंदर, और जब तक घरों की बर्बादियां क्यों डूबते बर्बाद होती कि जब राजो न्याज बर, एक चोरी किसी भी घर में होती तो जब तक चोर को इन्फॉर्मेशन उस घर की नहीं मिलती, अंदर से भेद नहीं जाएगा, वो कैसे आके चोरी करेगा। तो किश्ती, और ये मिसाल तो ये है कि किश्ती और घर हमेशा अंदर के पानी से डूबते हैं, और हम सब एक दूसरे को खुद डुबो रहे हैं, हम सब खुद ही डूब रहे हैं, क्योंकि हम अपने राजो न्याज, अपने जो भी एक दूसरे को बता के बर्बाद कर रहे हैं। उर्दू गजल क्या छोड़ गया है, बहुत बहुत ये भी अच्छी बात लिखी, इस दुनिया फानी से जो मुंह मोड़ गया, जो चला गया, जो खुदा को प्यारा हो गया, बरसों के जो रिश्ते थे सभी तोड़ गया। तो जाहिर है कि जब मौत आ जाती फिर रिश्तेदारी क्या है, तो कुछ भी नहीं, तो मौत है, फिर रिश्ता तो खुदा के साथ होना, और वो रिश्ता तो उसी वक्त कायम होगा कि जब हम इस दुनिया में जिंदा थे तो उस हाथ को देखा कि जो हमें बचा सकता था, या जो उसके हुक्म हमने सुना, तो वो फिर रिश्ता जब मुंह मोड़ गया दुनिया से, तो फिर रिश्ता तो खुदा के पास साथ होगा, वहां साफ होगा कि क्या दुनिया में किया था। तो दुनिया तो ये सोचती है, जो ये मैं बात पढ़ने लगा हूं, है खोज फरिश्तों को क्या साथ लाए, कि जो भी वहां दालत होगी फरिश्ते देखेंगे कि इसने दुनिया में जो कुछ किया क्या लेके है, क्या नेकियां लेके है, क्या इसने अच्छाइयां जो लेके है। लेकिन जो दुनिया सोचती वो क्या सोचती है, दुनिया सोचती है, और फिक्र अजीजों को है, अजीजों को, रिश्तेदारों को फिक्र है कि क्या छोड़ के गए। और जब बंदा मर जाता है तो फिर लड़ाइयां झगड़ा होते हैं, ये मेरा हिस्सा है, ये मेरा हिस्सा है, ये बंटवारे शुरू हो जाते हैं। तो दुनिया को तो ये फिक्र है कि ऊपर तो जो गया फरिश्ते तो साफ ले रहे हैं खुदा के सामने, लेकिन पीछे वालों का फिक्र है कि ये छोड़ के गया हमारे लिए क्या। तो यही सारी बातें जो है हमारी बुराइयों की बातें, तन्हाई। और मैं आखिरी बात बड़ी अच्छी लिखी, आज 1 फरवरी है, इस हवाले से बहुत अच्छा शेर लिखा है, कप कपाती शब के सुरदा मनाजर अलविदा। जाहिर है कप कपाती था सारी दुनिया में, मेरे ख्याल हिस्ट्री में मैंने नहीं इतनी सर्दी देखी थी, पाकिस्तान वही पढ़नी और ये कुछ सुना, तो दुनिया सारी में सर्दी है, और इस कपकपाती सर्दी में जनवरी को अलविदा कह रहे कि इतनी सर्दी के बावजूद भी सलाम कर रहे हैं जनवरी को, अलविदा जनवरी की आखिरी शब, अलविदा कि जो रात काल गुजर गई, अलविदा की कह दिया उसको, और हम फरवरी में 2020 में दाखिल होंगे, और ये बहुत बड़ी खुदा की बरकत है, रहमत है कि हम हर साल नया था, बड़ा दिन, नया साल, और खुदा की खुशियां, जन्मदिन, सब कुछ देखते हैं। तो एक बार फिर हवाले पढ़ूंगा जो अभी शामिल हो रहे हैं, ये शायद की किताब 8 पाप, उसकी 3 आयत पढ़ूंगा। देखो खुदावन का हाथ छोटा नहीं, के छोटा नहीं हो गया के बचा न सके, और यही मेरा टापक था, और उसका कान बारी नहीं के सुन ना सके, बल्कि तुम्हारी बदकरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है, हमारी बदकारी ने, हमारे झूठों ने, हमारी मुनाफकत की, क्योंकि हम उसके हुक्मों पर अमल नहीं, और वो हमारे दरमियान जो शैतान है, और शैतान ने वो जुदाई डाल दी है, और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रू पोष कर गया है। ऐसा नहीं कि तुम्हें रू पोष किया है कि ऐसा नहीं वो नहीं सुनता, क्योंकि तुम्हारा हाथ, तुम्हारे हाथ खून से और तुम्हारी उंगलियां
बदकरदारी से रोते हैं, तुम्हारे लब झूठ बोलते हैं। यही मेरा पहला शो था कि झूठ गुनाह की जड़ है और झूठ ही हमारे तरफ जो हमारी तबाही और बर्बादी की वजह बने। झूठ बोलते और तुम्हारी जबान शरारत की बातें करती है। और ये भी हवाला मैंने पढ़ा था, यकूब पहला खत, यकूब आम खत जो है उसमें लिखा था कि जबान एक ऐसा आला है जो तबाही की तरफ लेके जाता है। और यही वजह है कि जबान की वजह से हम प्यार मोहब्बत की बातें नहीं निकालते, जिससे सारी जो एक दूसरे से दूरी, और हम कोशिश करें कि खुदावंद का हाथ हमारे ऊपर रहे और हमें वो क्यों नहीं बचा सकता। लेकिन हम जब उसके हुक्मों पर अमल करेंगे, उसकी तरफ जाएंगे, बढ़ेंगे, कदम बढ़ाएंगे। दुनियावी तौर पर भी हम कहते हैं भाई अगर कोई एक कदम हमारी तरफ बढ़ाए तो हम 10 कदम बढ़ाएंगे। मुंह की बातें हैं, लेकिन हकीकत में अगर हो तो प्यार मोहब्बत जो खत्म हो चुका है वो वापस आ सकता है। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और अपनी हिफ्ज और ईमान में रखे। और सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे लाइव देख रहे हैं, कमेंट्स भी देते हैं, और अभी मैंने जिक्र भी किया दुआ तो मेरे कमेंट्स में भी होती है, और कभी कभी कोई ना कोई ऑनलाइन होके मैसेंजर पे या कॉल करके, मैं फोन तो सुन नहीं सकता, लोग मुझे कहते हैं मुझे जी फोन करो, मैं सिर्फ मैं बता देता जी मैं नहीं सुन सकता, मेरे कान ही बंद है। तो मैसेंजर पे किसी की बात सुन जाए तो अभी एक बंदा रफीक भट्टी ने बड़ी अच्छी मेरे लिए दुआ की मेरे सेहत के लिए। तो खुदा आपको भी, बहुत लोग मुझे दुआओं के लिए कहते हैं लेकिन मैं भूल जाता हूँ कि किस किस ने कहा है। बहरहाल जो भी कहते हैं खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। जो भी आपके मसाइल हैं खुदा आपको हल करे, क्योंकि खुदा का हाथ छोटा नहीं कि वो बचा न सके। आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।